नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आई की लेवल यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी का यहाँ पे बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि हमारा रिजल्ट पेंडिंग है और हमारा रिजल्ट नहीं सुधर रहा है। तो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे पार्ट टू के लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें बोला था कि आप सब अपना अपना रोल नंबर कमेंट करिए। और मैंने लगभग लगभग के रोल नंबर चेक किए हैं, कई बच्चे फेल हैं, कई बच्चों का पेंडिंग है, तो कई बच्चों ने यहाँ पर रिपोर्ट भी नहीं किया था। तो सब के सब यहाँ पे सुन लीजिए कि जिन्होंने भी अभी तक अगर रिपोर्ट नहीं किया है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन, तो आप अभी भी रिपोर्ट करने का टाइम है, आप रिपोर्ट करिए। आफ्टर दैट मैं कुछ ऐसी बातें अभी भी बताऊंगा जो कि पार्ट वन के लिए भी है। तो उससे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बेस्ट विशेष देना चाहते हैं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हैप्पी होली टू ऑल IQ लेवल की तरफ से। तो चलिए हम यहाँ पे खबर के ऊपर ज़रा चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूँ कि जो भी पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं वो सब अब निश्चिंत हो जाए, उनकी रिजल्ट जो है आने वाली है आने वाले कुछ ही दिनों में। तो अब कई बच्चों का सवाल यहाँ पे ये भी आ रहा था कि 2018 से 21 सेशन वालों का क्या होने वाला है सर, कब रिजल्ट आएगा? तो मैं आपको बता दूँ, कॉपी चेकिंग का काम हो चुका है और अब टेबुलेटर का काम यहाँ पे चल रहा है, मतलब टेबुलेशन का काम चल रहा है। मतलब अब जो है आपके सारे मार्क्स जोड़े जाएंगे और साथ ही साथ उसके बाद रिजल्ट जो है बन करके तैयार हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा था, तो प्रैक्टिकल के जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद प्रैक्टिकल के भी मार्क्स यहाँ पे जोड़ करके आप सभी का रिजल्ट जो है आखिरी वीक तक यहाँ पे मार्च के रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सीधे रुक करते हैं पार्ट टू के खबर की तरफ। तो यहाँ पे पार्ट टू की तरफ से जो भी खबरें आ रही हैं कि आप सब परेशान थे कि आप सभी का रिजल्ट नहीं आ पा रहा था और आपका जो भी है रिजल्ट डुप्लीकेट बता रहा था रोल नंबर, और इसके बाद भी रिपोर्ट करने के बाद भी आपका यहाँ पे सुधरा नहीं था। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों का अब कमेंट आने लगा है कि मेरा रिजल्ट ठीक हो गया है, 68% है, 70% है। तो काफ़ी बच्चों के मैंने कमेंट्स यहाँ पे चेक किए हैं। तो अगर आपने अभी तक अगर यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं किया है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आई बटन में मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके आप चेकआउट करो उस वीडियो को। उसमें मैंने रिपोर्ट करने का प्रोसेस बताया, साथ ही साथ जब भी आप रिपोर्ट करना है तो सारी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सही सही वहाँ पर भरना। अगर कुछ भी गलत करते हो तो आपका फिर से रिजल्ट पेंडिंग में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप सब सोच रहे हो कि यार ये ऑनलाइन पर भरोसा करे या नहीं करे, तो सबसे पहले बात मैं बताता हूँ कि होली आज है और आज के बाद से जो है हर एक कॉलेज में TR का काम जो है भेजने का शुरू किया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यानी कि होली के बाद से अब आपका जो है TR कॉलेज में पहुंच जाएगा। तो जैसे TR आपका कॉलेज में पहुंचता है, आप सब जाकर के कॉलेज में रिपोर्ट करिए और TR देखिए, वहाँ पे आपका जितना भी मार्क्स है, नाम है, सब कुछ वहाँ पे सही तरीके से है कि नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ है उसमें भी, अगर कुछ पेंडिंग वगैरह का प्रॉब्लम आता है, तो आप सब एप्लीकेशन लिख करके कॉलेज को देंगे, लेकिन कब? आफ्टर TR चेक करने के बाद। तो अभी आप सब वेट करें, थोड़ा सा इत्मीनान रखें और कल से आप कॉलेज जाना शुरू करिए या तो परसों से जाना शुरू करिए। अगर आप सब कल नहीं जाएंगे तो परसों से जाइए और कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट ज़रूर करिए, तभी जाकर के आपका पता चल पाएगा कि TR आया कि नहीं आया। अगर TR आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो कुछ दिनों के लिए वो बोलेंगे वेट करने के लिए, आपके कॉलेज में TR अब पहुँचने वाला है। ये एक अपडेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप सब वेट करिए TR का, और TR में देखिए आपका सब कुछ सही है कि नहीं है। TR में पक्का से पक्का सही होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है यहाँ पर गड़बड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। ऑनलाइन के रिजल्ट के चक्कर में ना पड़े, अब आप जो है अपने कॉलेज आके कांटेक्ट करिएगा। उसके बाद कांटेक्ट करने के बाद ये होगा कि कॉलेज वाले ही बताएंगे कि आपके रिजल्ट का क्या होना नहीं होना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे रूडली बिहेव करते हैं, तो अगर आप अच्छे से पूछिएगा सर हमारे ये जो जो रिजल्ट पेंडिंग है या कुछ भी है, इसके प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, अगर आप जाकर के पूछेगा अच्छे से। और हल्ला ज़्यादा नहीं मचाइए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत सारे होते हैं जो हल्ला मचाने लगते हैं, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। जाकर के आप इत्मीनान से पूछिए वहाँ पे कि आपका क्या होगा। अगर TR आ गया है तो ठीक है, TR नहीं आया तो आप वेट कर लीजिएगा TR के आने तक का, और रिपोर्ट ज़रूर करिएगा ऑनलाइन। और एक दो बार कर दिए उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही सही रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद। अभी फिर से मैं बोलता हूँ हैप्पी होली आप सभी को।